आई एम श्योर आप मटन के डिफरेंट डिफरेंट रेसिपी देखे होंगे, खाए होंगे। आप मटन बनाए होंगे कढ़ाई में, प्रेशर कुकर में, लेकिन आज हम बनाएंगे मिट्टी के बर्तन में। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कैच लाइफ विद सुज्ञानी। तो चलिए चलते हैं मटन के मैरिनेशन से। यहाँ पे हम 1 किलो मटन लिए, उसको अच्छे से क्लीन करके वॉश करके रखे हैं। पहले उसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं और टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल देते हैं और कुछ मस्टर्ड ऑयल और नींबू को भी डाल देते हैं। यहाँ पे हम 1 किलो मटन में 1 नींबू लिए हैं। आप चाहो तो दही भी यूज कर सकते हो। ये वीडियो बनाने के लिए मेरे बहुत सारे फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किए थे मटन को हांडी में बनाने के लिए, इसीलिए मैं बना रही हूँ। मटन को आप मिट्टी के चूल्हे में बनाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आजकल तो मिट्टी का चूल्हा नहीं मिलता है, इसलिए हम गैस में बनाएंगे। अब हम डाल देते हैं 4 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट और अच्छे से मिक्स करते हैं और मिनिमम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देते हैं। हम प्याज में भी जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, इसीलिए हम 4 चम्मच अभी डाल रहे हैं। आफ्टर 30 मिनट्स के बाद हम हमारा करी स्टार्ट करते हैं। करी के लिए हम बड़े साइज का 5 प्याज लिए हैं, 2 बड़े आलू लिए हैं और उसके साथ नमक, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर, चिली पाउडर, मीट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट, कुछ धनिया के पत्ते लिए हैं। मटन में एरोमा लाने के लिए हम कुछ रोस्टेड मसाला डालेंगे। तो कुछ साबुत मसाले को हल्का सा रोस्ट करेंगे। पहले हम कुछ जीरा को रोस्ट करेंगे, फिर हम उसमें कुछ दालचीनी, इलायची, बड़ी इलायची डाल के हल्का सा रोस्ट करके पाउडर कर देंगे। अभी हम नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करेंगे। ऑयल गर्म होने के बाद हम कुछ आलू को फ्राई करके निकाल देते हैं। बाद में हम ये ऑयल को यूज़ कर देते हैं। अभी हम हमारा नेक्स्ट स्टेप्स की तरफ चलते हैं। एक मिट्टी के हांडी को गैस में रखेंगे और गैस का फ्लेम लो रखेंगे। हांडी गर्म होने के बाद हम उसमें तेल डालेंगे और गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। तेल गर्म होने के बाद हम थोड़ा सा चीनी डालेंगे। चीनी यहाँ पे हम 1 चम्मच लिए हैं। चीनी मेल्ट होने के बाद हम कुछ तेज पत्ते और 1 दालचीनी डाल रहे हैं और कलर के लिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं और उसके साथ हम प्याज को डाल देंगे और कढ़ाई का जो तेल है वो डाल देते हैं और उसके साथ थोड़ा सा नमक डाल के भूनते हैं प्याज को। प्याज भूनने के बाद हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालते हैं। अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 चम्मच डाल रहे हैं, क्योंकि हम पहले से डाल दिए हैं इसीलिए 1.5 चम्मच डाल रहे हैं। मसालों को अच्छे से भूनेंगे। मसालों को अच्छे से भूनते हैं और हल्दी पाउडर डाल देते हैं। यहाँ पे हम 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिए हैं, फिर टेस्ट के हिसाब से चिली पाउडर डाल रहे हैं और उसके साथ धनिया पाउडर, कुछ गरम मसाला ले रहे हैं। मसाला आप आपके टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मसाला को अच्छे से भूनते हैं, फिर मटन को डाल देते हैं। यहाँ पे हम मटन को डाल के गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, नहीं तो हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे तो हांडी टूटने का चांसेस रहता है, इसलिए हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे। और हम अब उसमें नमक डाल देंगे और उसके साथ आलू को भी डाल देंगे।
मटन को अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर बंद करके 15 मिनट कुक करेंगे। फिर 15 मिनट के बाद कवर निकाल के मटन को अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर कवर बंद करके मटन को 10 मिनट फिर पकाएंगे। क्योंकि हम हांडी में मटन को बना रहे हैं इसलिए हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। हमारा मटन आधा कुक हो गया है, अभी हम उस पर गर्म पानी डाल देंगे। हम 2 ग्लास गर्म पानी यूज़ किए हैं। हमारा मटन आधा कुक हो गया है और यहाँ पे हमको 45 मिनट्स लग गया है। अब हम उसमें मटन मसाला और जो रोस्टेड गरम मसाला रखे थे वो डाल रहे हैं। उसमें मटन का एरोमा बहुत अच्छा आएगा। अभी हमारा मटन 90% कुक हो गया है, अभी हम उसमें कुछ धनिया के पत्ते डाल देते हैं और 10 मिनट कवर बंद करके कुक करेंगे। यहाँ पे हम लो फ्लेम में ही कुक किए हैं इसीलिए हमको ज़्यादा टाइम लग गया। अभी हमारा मटन कुक हो गया है, कितना अच्छा कलर आया है। अब हम सर्व कर लेते हैं। हमारा मटन बहुत फ्लेवरफुल है और बहुत टेस्टी भी हुआ है। आप भी इसी टिप्स के साथ एक बार हांडी में मटन बनाइए और आपका हांडी मटन कैसे बना है मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको ये मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक इट, शेयर इट एंड कमेंट इट। और नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।